हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे और आपको केमिस्ट्री बहुत इजी भी लग रहा होगा। तो आज मैं आपके लिए एक और ट्रिक लेके आया हूँ। और इस ट्रिक में अच्छी बात क्या है कि हर चीज़ ऑलमोस्ट फिक्स है। डैट मीन्स आपका रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट फिक्स है, आपका रिएजेंट फिक्स है और आपका प्रोडक्ट भी फिक्स है। डैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेम रिएक्शन ट्रिक। तो ध्यान से देखो, पहला जो मैंने लिया है डैट इज एनिलीन। ओके, चीज़ें फिक्स होंगी। अगर आपको कहीं पे भी एनिलीन दिख जाए, एनिलीन मतलब बेंजीन पे NH2 ग्रुप दिख जाए, राइट, डायरेक्टली बेंजीन से अगर NH2 ग्रुप अटैच है, जिसको हम 1° एमीन भी बोल सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है, या फिर ये एरोमेटिक एमीन भी हो गया, ये कहीं पर आपको दिख जाए एज ए रिएक्टेंट और एज ए सबस्ट्रेट, तो आपको क्या करना है? तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखाया कि बेंजीन का होना ज़रूरी है और उस पर NH2 लगा होना चाहिए। बाकी इधर कुछ ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो तो वो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्थो पैरा मेटा पे कोई ग्रुप लगे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेनली थिंग इज कि इतना तो होना चाहिए, हमारे पास एनिलीन होना चाहिए। एनिलीन की रिएक्शन कहीं पर भी आपको NaNO2 और HCl से दिख जाए, वेरी लो टेम्परेचर पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन से 278 केल्विन। तो अगर NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन आपको दिख जाए इन प्रेजेंस ऑफ एनिलीन, तो आपको क्या बना देना है? डाइजोनियम। तो कैसे बनाना? वेरी सिंपल, बेंजीन को एज इट इज रखना है, नाइट्रोजन जो यहाँ एन था और यहाँ से एक नाइट्रोजन मिल करके N2+, और ये जो इसका हैलोजन होगा ये X- में इससे अटैच हो जाएंगे। डैट मीन्स ये एक सॉल्ट बन जाएगा जो कि अनस्टेबल होते हैं, इसलिए लो टेम्परेचर रखा है तभी ये स्टेबल है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ से N2 गैस बाहर चली जाएगी जो कि बहुत ही स्टेबल है। अब इसका नाम मैंने अपने एक वीडियो लेक्चर में संकट मोचन भी रखा है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ। तो पॉइंट इज कि ये डाइजोनियम अगर आपका बन गया, अब इस पर कोई भी ग्रुप लगाना हो तो आप इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इसलिए अगर कभी भी बेंजीन से रिलेटेड कोई कंपाउंड बनाना हो तो आपके लिए बेस्ट वे है डाइजोनियम। तो अगर ध्यान से देखो, अगर आपने Cu+1 वाला लिया, Cu+1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला Cu2X2 या CuCN, डैट मीन्स Cl- Br- Cn-, ये तीनों अगर न्यूक्लियोफाइल हुए तो वो आपका जहाँ पे डाइजोनियम लगा हुआ है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। याद कैसे रखेंगे? तो घर बनाने के लिए सैंड कैसा होना चाहिए? नंबर 1। तो इसलिए यहाँ से कनेक्ट करेंगे कि घर बनाने के लिए सैंड कैसा होना चाहिए? नंबर 1। तो कॉपर अगर +1 में होगा तो सैंडमेयर रिएक्शन। सेम पॉइंट कि Cu इन प्रेजेंस ऑफ HXO, डैट मीन्स यहाँ पे Cu किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? Cu0 में। अगर Cu0 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया इन प्रेजेंस ऑफ HX, वेयर X कैन बी ClBr ओनली, तो इसको बोलेंगे गैटरमैन। और इसको कैसे याद रखेंगे? तो गटर में कौन रहते हैं? 0 लेवल के लोग। 0 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उसको बोलेंगे गैटरमैन। और नंबर 1 क्या होना चाहिए सैंड बिल्डिंग बनाने के लिए? Cu+1 में होगा तो सैंडमेयर रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट कि अगर आपको एक स्मॉलर हैलोजन डैट इज Cl और Br को अगर आपको रिप्लेस करना हो एक बिग हैलोजन से, आयोडीन एक बिग हैलोजन है और Cl या Br स्मॉल हैलोजन है, तो अगर बिगर हैलोजन से स्मॉलर हैलोजन को रिप्लेस करना हो तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा फिंकलस्टीन। और कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, ये चीज़ें फ्रैंकली है या ये चीज़ें आम बात है कि बड़े लोग छोटे लोग को रिप्लेस कर देते हैं, ये तो आम बात है, राइट, फ्रैंकली बात है। किसी को बोलोगे कि बड़े लोग ने छोटे लोग को रिप्लेस कर दिया तो कोई ध्यान नहीं देगा, क्यों? क्योंकि ये तो होता ही रहता है, फ्रैंक की बात है। तो इसलिए फिंकलस्टीन, अगर कहीं पे बड़े हैलाइड आयन छोटे हैलाइड आयन को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये आम बात है, ये फ्रैंक बात है, तो फिंकलस्टीन। बट अगर बड़े हैलोजन को छोटे हैलोजन अगर रिप्लेस कर रहे हैं तब यहाँ पे लोग आपकी बात सुनेंगे, क्यों? क्योंकि अगर छोटे लोग बड़े लोग को रिप्लेस कर दिए तो ये स्वाभिमान की लड़ाई है, राइट, इसलिए क्या नाम होगा? स्वार्ट्स, इसको बोलेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन, क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई है कि छोटे लोग बड़े लोग को रिप्लेस कर रहे हैं।
तो जस्ट मैं ये सब चीज़ें कनेक्ट कर रहा हूँ कि ताकि आप एकदम इजी वे में याद रखेंगे। तो आई होप आपको ये तीन नेम रिएक्शन एकदम क्लियर होगा। नाउ रिएक्शन नंबर 4 कि अगर आपने एल्काइल हैलाइड लिया, ध्यान दें एल्काइल हैलाइड राइट, या फिर एराइल हैलाइड लिया राइट, तो ऐसे केस में सोडियम डैट इज एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। ड्राई एथर क्यों ले रहे हैं? ताकि सोडियम इससे रिएक्ट ना कर पाए, क्योंकि मॉइस्चर से बहुत जल्दी सोडियम रिएक्ट कर जाते हैं और ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो कहीं पे भी सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर दिखे और RX आपको दिखे, डैट मीन्स कार्बन से हैलोजन अटैच हो, डैट इज एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड हो, तो ऐसी रिएक्शन जो है वो डिफरेंट नेम से जानी जाती हैं। एराइल, यहाँ पे एराइल कहने का क्या मतलब है कि बेंजीन से डायरेक्ट हैलोजन अटैच होगा। तो अगर बेंजीन से डैट मीन्स बहन जी से डायरेक्ट हैलोजन अटैच होगा तो एराइल बोलेंगे, अदर केस में वो क्या रहेगा? एल्काइल रहेगा। ओके, नाउ ये जो रिएक्शन होती है ये वाया फ्री रेडिकल होती है, ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है। और इसमें कपलिंग होता है, डैट मीन्स दो ग्रुप अटैच हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने एल्काइल हैलाइड लिया CH3Cl, तो आपको कैसे प्रोडक्ट बनाना है? जो भी आपको RX गिवन होगा इसका दो मॉलिक्यूल लेना है और क्या करना है, मिरर इमेज लगा देना है। समझाने के लिए ट्रिक का पॉइंट यही है कि जब भी आपको RX देखे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राइथर, तो RX एक लेना है और उसका मिरर इमेज बना देना है। तो देखो मिरर इमेज क्या हो जाएगा, Cl के पास Cl, CH3 दूर था तो दूर बनेगा, और ये दोनों को निकाल देना है। तो ये दोनों को हटा दोगे तो देख लो क्या बना, CH3CH3। तो चूंकि ये एल्काइल हैलाइड था इसलिए इसका नाम रहेगा रूट्स रिएक्शन। ओके, अगर वहीं पे आपने एराइल ले लिया, सब कुछ सेम है, सिर्फ अगर बेंजीन पे हैलोजन लगा लिया, फिर से मिरर इमेज बनाना उसका, तो ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा राइट, पलट जाएगा और फिर से आपको इन दोनों को बाहर निकाल देना है और कनेक्ट कर देना है, तो ये बन जाएगा डाइफिनाइल बन जाएगा। इस केस में बोलेंगे इसको फिटिंग। ध्यान दो, सब कुछ सेम है, अगर आपने अल्काइल लिया तो रूट्स, और अगर एराइल लिया बेंजीन वाला लिया, ध्यान दे बेंजीन पे डायरेक्ट हैलोजन अटैच होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे फिटिंग। और अगर किसी ने इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया, डैट मीन्स एक एल्काइल और एक अराइल ले लिया राइट, जैसे यहाँ देखो ये अराइल लिया और ये अल्काइल ले लिया, तो यहाँ पे भी वही करना है, दोनों Cl को बाहर या दोनों हैलोजन आमने सामने करके बाहर कर दो, जो बचा उसको अटैच कर दो, तो यू विल गेट योर प्रोडक्ट। और इसका नाम हो जाएगा, इसकी वजह से रूट्स और इसकी वजह से फिटिंग, तो इसका नाम हो जाएगा रूट्स फिटिंग। तो आई होप ये क्लियर होगा, बहुत सिंपल है ये, बट ध्यान दें सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट सोडियम है। वहीं पे अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, इसमें हमने कोई कंडीशन नहीं लिखा, डैट मीन्स आर कैन बी एल्काइल, आर कैन बी अराइल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर RX एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर करा रहो, अगेन S ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट राइट, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर है, एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड कोई भी अगर आपको दिख जाए, तो आपको क्या करना है, मैग्नीशियम को कार्बन और हैलोजन वाले बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर देना, जो कि मैंने यहाँ दिखाया है। इसका एक स्पेशल नाम है, डैट इज कॉल्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और चूंकि यहाँ पे मेटल से डायरेक्टली कार्बन कनेक्टेड है, कहीं पे भी अगर मेटल से डायरेक्टली कार्बन कनेक्टेड हो तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, जिसके बारे में मैं आपको पूरा एक आइडिया दे रखा हूँ अपने इस वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हमें क्या मिलता है, R- राइट, और R- आपका एक अच्छा बेस भी हो सकता है और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो कहीं पे भी अगर आपका हाइड्रोजन फोन से अटैच है, डैट मीन्स फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, अगर आपका हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच है, या फिर कॉर्नर वाले sp कार्बन से राइट, टर्मिनल sp कार्बन से अगर अटैच है, तो इन दैट केस एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, तो R- आपका बेस का काम करेगा, अदरवाइज वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। एंड नेक्स्ट कि अगर अगेन RXCO, डैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, तो सबसे बेस्ट है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ RO-Na+, जिसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। कैसे बनाएंगे, तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर बेस से करा देंगे, तो ये एसिड हो गया आपका
और ये बेस हो गया, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएंगे, राइट। तो आर ओ माइनस एन ए प्लस कहीं पे दिख गया आपको, इन प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो वहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, राइट, और ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये एक्स आपका बाहर चला जाता है। तो ये एसएन टू रिएक्शन होती है, फिक्स है, एसएन टू रिएक्शन होती है। इसलिए आपका आर डैश ये जो है सोडियम एल्कोऑक्साइड वाला, ये आर डैश 1 डिग्री हो तो बहुत अच्छी बात है, 2 डिग्री हो तो भी चलेगा, 3 डिग्री हो तो भी चल जाएगा, बट आपका एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री हुआ तो स्टेरिक फैक्टर या क्राउडिंग इंक्रीज होने की वजह से एसएन2 अटैक नहीं हो पाता है, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगती है। इनफैक्ट अगर आपने ये 3 डिग्री ले लिया तो उस केस में ये आपका कोई भी हो, आपकी रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो इसलिए एसएन2 कराना है तो इसको 1 डिग्री ही रखना बेस्ट है। तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ईथर, कैसे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया तो एक्स बार हो गया, आर ओ आर, ऑक्सीजन के अगर दोनों तरफ कार्बन हो तो उसको क्या बोलते हैं, ईथर, तो आपका ईथर बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट 7 इज कि अगर कहीं पे भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए, ध्यान से देखो, इसमें सब में मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को ही ले रखा है, अगर सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अगर उस पर हाइड्रोजन है तो ऐसे रिएक्टेंट की रिएक्शन अगर X2, डैट मीन्स यहाँ पे हैलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, तो हैलोजन और रेड फास्फोरस आपको गिवेन हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो डैट मीन्स क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान दें अल्फा कार्बन का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन कैसे पहचानते हैं, तो जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड उसके बगल में कार्बन होना चाहिए और उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी ध्यान दें sp3 होना चाहिए, डैट मीन्स सारे सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड X2 यू विल गेट अल्फा पोजीशन पे हैलोजन आ जाएगा आपका Cl या Br। तो इस रिएक्शन का नाम है हेल वोलहार्ड जिलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन बोलते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स है, रिएक्टेंट रिएजेंट और प्रोडक्ट सब कुछ फिक्स है, यू नो, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है और अल्फा पोजिशन पर ही वही हाइड्रोजन हटा करके हैलोजन आ जाता है। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजिशन पर अगर आपको हैलोजन चाहिए, डैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बगल वाले कार्बन पर अगर हैलोजन चाहिए तो आप X2 एंड रेड फास्फोरस से रिएक्शन करा दो, यू विल गेट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो 8 है कि अगर आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, राइट, और उसकी रिएक्शन सोडा लाइम, इसको बोलते हैं सोडा लाइम, क्या बोलते हैं, सोडा लाइम वर्ड लिख सकता है, सोडा लाइम, तो डैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड 3:1 रेशियो में होना चाहिए, इसका रेशियो भी थोड़ा ध्यान में रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट कर रहे हो तो क्या होगा, ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, जो भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो लिख लो, और सोडा लाइम मतलब NaOH, और इसको Na2CO3 को बाहर कर दो, देखो 2 Na हो गया, 1 कार्बन हो गए और 3 ऑक्सीजन हो गए, Na2CO3 को बाहर कर दो, तो बचा क्या, R और H, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्केन। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, ध्यान से देखो, आप जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे उससे एक कम कार्बन वाला आपको एल्केन मिलेगा, तो हाइड्रोकार्बन 1 कार्बन लेस वाला मिलेगा आपको। जैसे अगर यहाँ पे सपोज करो मैं CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, मतलब एसीटेट, सोडियम एसीटेट अगर लिया होता तो यहाँ पे मुझे मीथेन गैस मिलता। तो एक और पॉइंट है कि इस प्रोसेस से, इस मेथड से हम मीथेन भी बना सकते हैं, जबकि रूट्स रिएक्शन जो बताया था वो, या फिर ये वाला कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, इन सब से हम मीथेन गैस प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट पे ध्यान देंगे, जब भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपको हाइड्रोकार्बन, डेट मीन्स एल्केन मिल जाएगा और 1 कार्बन लेस वाला होगा, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। कहीं पे भी डी वर्ड लगा हो मतलब वो चीज़ें बाहर जा रही है, जैसे डिहाइड्रेशन तो मतलब वाटर बाहर जा रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, तो वैसे ही डी कार्बोक्सिलेशन मतलब
कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम होगा डी कार्बोक्सिलेशन। और इसमें एक कार्बन लेस वाला आपको हाइड्रोकार्बन मिलने वाला है। इसमें जो इंटरमीडिएट होते हैं वो भी ध्यान रखना है, कार्बेनायन होते हैं, इसलिए अगर कार्बेनायन बन रहे हैं तो इसका मतलब माइनस आई या माइनस एम ग्रुप लगे होंगे, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी। तो अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया तो एनोड पे एनायन जाते हैं और कैथोड पे कैटायन, राइट। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो आपको क्या होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला आपको प्रोडक्ट मिलेगा और ये रिएक्शन वाया फ्री रेडिकल होती है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो कैसे होगा, वेरी सिंपल, ध्यान से देखो। जब आप सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा, जो एनायन है वो एनोड पे जाएंगे और एनोड पे जाकर के ये सी डबल बॉन्ड ओ और ओ ये CO2 के फॉर्म में आपका बाहर चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर चले जाएंगे और आपका क्या होगा, आर फ्री रेडिकल जनरेट होगा। वो आर फ्री रेडिकल दूसरे आर फ्री रेडिकल से कनेक्ट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला प्रोडक्ट मिलेगा और कार्बन के जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे जो आप रिएक्टेंट में लोगे उसका डबल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट में लिया था जितना कार्बन उससे एक कम हो गया था। तो ये सारे पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखना है। और कैथोड पे चूंकि सोडियम और पोटेशियम का रिडक्शन नहीं हो सकता तो इसलिए वाटर का होता है, तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलती है, तो ये भी ध्यान रखना है। एनोड पे दो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपका, एल्केन जो कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेंगी और इस प्रोसेस का नाम है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। और लास्ट, अगर कहीं पे भी आपको बेंजीन दिख जाए सिर्फ, या बेंजीन पे कोई फंक्शनल ग्रुप हो और वो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन हो सकता है, हैलोजन तो एराइल हैलाइड हो जाएगा, OH होगा तो फिनॉल हो जाएगा, OR होगा तो आपका ईथर हो जाएगा, NH2 होगा तो एनिलीन हो जाएगा, एल्डिहाइड होगा तो बेंजल्डिहाइड, एसिड होगा तो बेंजोइक एसिड, कीटोन होगा तो कीटोन हो जाएगा, राइट। तो आइदर बेंजीन दिख जाए या बेंजीन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो, तो आपको सिर्फ ग्रुप का इफेक्ट देखना है, अगर वो प्लस एम या प्लस आई है, जो आपको बता रखा हूँ कि बेंजीन से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है और उसके पास लोन पेयर है तो वो प्लस एम शो करेगा, तो प्लस एम या प्लस आई वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे और माइनस एम या माइनस आई वाले जो कि ये वाले हैं, ये सब जहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ हो या सी ट्रिपल बॉन्ड एन साइनाइड लगा हो, राइट, तो ये सब माइनस एम ग्रुप है, तो माइनस एम या माइनस आई वाले मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो फंडा क्लियर है, बेंजीन या बेंजीन पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो उस ग्रुप का आपको देख लेना है इफेक्ट, प्लस एम या प्लस आई होगा तो ऑर्थो पारा पे इलेक्ट्रोफाइल को लेके आना है, माइनस एम या माइनस आई होगा तो मेटा पोजीशन पे लेके आना है। डैट मीन्स इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को सर्च करना है कि पॉजिटिव वाला पार्ट कौन है। पॉजिटिव वाला पार्ट आपको पता लग गया प्लस एम या प्लस आई होगा तो ऑर्थो पे लगाना है और पैरा पे लगाना है, और अगर माइनस एम या माइनस आई होगा तो मेटा पे लगाना है। जनरली पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा, अगर प्लस एम या प्लस आई होगा तो सिर्फ ऑर्थो उस केस में मेजर होगा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तभी ऑर्थो मेजर होगा, अदरवाइज पैरा मेजर होंगे इन केस ऑफ प्लस एम या प्लस आई, और माइनस एम या माइनस आई में तो फिक्स ही है, मेटा ही मेजर होगा क्योंकि उसमें और कोई पोजिशन नहीं है। नाउ अब आपको इलेक्ट्रोफाइल सर्च करना है, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे दे सकता है, RX इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। जरूरी नहीं है कि AlCl3 हो, 13 ग्रुप का कोई भी आपका कंपाउंड होना चाहिए क्योंकि 13 ग्रुप वाले सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एनहाइड्रस फॉर्म में लोगे तो ये क्या करेगा, इस हैलोजन को खींच लेगा और बना लेगा AlCl4- और आपको R+ क्रिएट कर देगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनने की वजह से ये रीअरेंज हो सकते हैं और उसके बाद आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। तो बेंजीन अगर सिर्फ होगा तो कहीं पे भी अटैच कर दो, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, अगर ये प्लस एम या प्लस आई होगा तो पैरा या फिर ऑर्थो पे लगाना है, और अगर माइनस एम या माइनस आई होगा तो फिर आपको कहाँ पे लगाना पड़ेगा, मेटा पोजिशन पर आपको लगाना पड़ेगा, राइट। तो अगर एल्काइल आपने लिया, एल्काइल हैलाइड, तो उसको बोलेंगे फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ध्यान दें, ये रिएक्शन दोनों का नाम फ्राइडल क्राफ्ट, साइंटिस्ट का नाम है फ्राइडल क्राफ्ट है। अगर एल्काइल आपका
सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो अल्काइलेशन, और अगर ये एसाइल ग्रुप कहलाते हैं, असाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो इसको बोलेंगे असाइलेशन। इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आर सी डबल बॉन्ड हो, ये फिक्स है, इधर जेड, जेड कैन बी हेलोजन, एसिड हैलाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है, ये जहाँ भी दिखा, इन प्रेजेंस ऑफ अगेन AlCl3 अगर हो गया, एनहाइड्रस या डी ब्लॉक के कोई कंपाउंड दिख जाए, तो उन सब केस में ये जेड को वो बाहर ले लेगा और आपको क्रिएट कर देगा RCO+, एंड अगेन इसको बेंजीन पे अटैच कर देना है, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो अगेन आपको देखना है कि वो कौन सा है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है या मेटा, उसके अकॉर्डिंग जोड़ देना है। तो असाइल ग्रुप जोड़ेंगे तो फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन, इसी से रिलेटेड है। आप चाहो तो अगर X2 इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, इन प्रेजेंस ऑफ Fe या FeCl3 एटसेट्रा, अगेन कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट हो या 13 ग्रुप वाला कोई एलिमेंट हो, राइट, ये जहाँ भी दिख जाए हेलोजन के प्रेजेंस में, तो ये एक हेलोजन को ले लेंगे और आपको क्रिएट क्या करेंगे, X+। आपको यहाँ पे E+ जो मैंने लिखा है कार्बोकटाइन, या फिर आपको जो इलेक्ट्रोफाइल सर्च करना है तो वो यहाँ पे X+ है, तो पूछ लिया जाता है कि हेलोजिनेशन में एक्चुअल में अटैकिंग पार्ट कौन है या कौन सा इंटरमीडिएट क्रिएट हुआ है, तो X+ हेलोजन आयन बनते हैं, और जो आपका फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में वो पहला पोजिशन पर आ सकता है अगर प्लस एम या प्लस आई ग्रुप है तो मेजर प्रोडक्ट में, और अगर माइनस एम या माइनस आई होगा तो कहाँ पर आ जाएगा, वो आपका मेटा पोजिशन पर, जो आपको ऑलरेडी क्लियर कर रखा हूँ। तो हेलोजिनेशन इसको बोलेंगे क्योंकि हेलोजन ऐड हो रहा है। वैसे ही HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर लोगे तो नाइट्रेशन बोलते हैं उसको, NO2+, NO2+ यहाँ पे अटैकिंग पार्ट होता है नाइट्रेशन में, NO2+ अगेन आपका अगर सिर्फ बेंजीन है तो कहीं पे भी अटैच कर दो, फंक्शनल ग्रुप लगा है तो अगेन इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। मैंने जस्ट एक केस दिखाया कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप प्लस एम शो कर रहा है तो मेजर प्रोडक्ट जनरली पैरा होते हैं, एक्सेप्ट जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगी तो वही ऑर्थो मेजर होगा। और सिमिलरली अगर कॉन्क H2SO4 लिया तो सल्फोनेशन होगा, और उसमें कौन तो SO3H+ क्रिएट होते हैं। तो इसलिए ये तीनों पॉइंट भी ध्यान रखना है, हेलोजिनेशन में X+ क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल आपका X+ है, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल NO2+ है, और सल्फोनेशन में SO3H+ है जिसको हमने ऐड कर दिया है। कि आपका रिएक्टेंट अगर कहीं पे भी एल्कीन दिख गया आपको एज ए रिएक्टेंट, ध्यान दें एल्कीन डबल बॉन्ड वाले दिख गए, और B2H6 या फिर BH3 दे सकता है, यू नो कि BH3 डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, और H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम अगर आपको गिवन हो, तो आपको क्या करना है, जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना है। ध्यान दे क्या करना है, जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो सिर्फ पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ध्यान दे सिग्मा को नहीं, पाई को ब्रेक करके B2H6 से H ऐड कर देना है एक जगह पे, और एक जगह पे H2O2 या OH- वाला OH ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है, तो इट इज ए सीन एडिशन, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर रखा हूँ मैं एडिशन ऑन एल्कीन वाले वीडियो लेक्चर में, और ये एक एंटी मार्कोनिकव एडिशन है। कहने का क्या मतलब है कि अब H और OH हम कहाँ ऐड करेंगे, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उसको क्या देना है OH, और जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन होगा उसको क्या देना है H। डैट मीन्स चूंकि इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन था, अगर ऐसे समझना तो इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन को वहाँ पे देगा जहाँ पे कमी होगा, जस्ट समझने के लिए। तो यहाँ पे यू नो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कम है इसलिए यहाँ पे H और यहाँ पे OH, और दोनों सेम साइड से ऐड होंगे। इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HBO भी लिख सकता है। तो बेसिक फंडा क्लियर हो गया कि कहीं पे भी एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ B2H6 BH3 आपको मिले एंड H2O2H-, तो जो दो कार्बन के बीच पाई बॉन्ड बना हुआ उसको ब्रेक करके एक कार्बन पे H एक कार्बन पे OH, उस कार्बन पे H लेके आना जिस कार्बन पे H कम है, वेरी सिंपल, इसलिए ये एंटी मार्कोनिकव है। सेम अगर आपका रिएक्टेंट सेम है, सिर्फ रिएजेंट चेंज कर दिया, मरकरी HgOH2 इन एक्वस सॉल्यूशन, डेट इज वाटर होना चाहिए, और NaBH4, तो अगेन वही करना है, इन दो कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना है, जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बने हुए हैं उसको ब्रेक कर देना है, अगेन एक कार्बन को H देना है एक कार्बन को OH। कैसे देना, तो वेरी सिंपल, HgOH2 जो एक्वस मीडियम है उससे आपको OH मिलने वाला है, और NaBH4 से आपको
हेच मिलने वाला है। यहाँ तक रिएक्शन ऑक्सी मर्क्यूरेशन कहलाता है, इसके बाद डी मर्क्यूरेशन, क्योंकि मर्करी को फिर रिमूव करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हेच ओ एच कैसे ऐड करेंगे, तो आप इसको अगर याद रख लिए तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, राइट। तो वैसे भी याद रख सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको ओ एच वहाँ पे ऐड करना है जिस कारण पर हाइड्रोजन कम है। डैट मीन्स यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। तो ध्यान से देखो, ओ एच को हमने कहाँ ऐड किया है, उस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन को वहाँ ऐड करना है जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। डैट मीन्स पहले वाली रिएक्शन का जस्ट उल्टा हो गया, चूंकि ये अकॉर्डिंग टू कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे मार्कोनिकव, इसलिए इसका नाम है एंटी मार्कोनिकव। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये एंटी एडिशन है, राइट, अपोजिट साइड से ऐड होंगे, और इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे OMDM। तो तीसरी रिएक्शन जो है वो एसाइल क्लोराइड कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, एसाइल, जब भी इस टाइप का है तो एसाइल, एराइल से एसाइल क्लोराइड है। तो जब एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन H2PD इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट कराओगे, यहाँ पे देखो सिर्फ अगर H2PD लिया होता हमने तो फिर ये बेंजल डिहाइड पर रिएक्शन नहीं रुकती, फिर ये अल्कोहल पर रुकती, लेकिन बेरियम सल्फेट ऐड करने से पाउडर फॉर्म में क्या हो गया कि जो प्लेटिनम की सरफेस थी उस पर बहुत सारे बेरियम सल्फेट जो पाउडर फॉर्म में लियो वो कवर कर लेंगे उसके सरफेस को, जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड या रिएक्शन की काइनेटिक्स कम हो जाती है, इसलिए रिएक्शन आपका यहीं पर रुक जाएंगी। तो अगर फिक्स है, रिएक्टेंट फिक्स है, रिएजेंट फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, अगर एसाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ H2PD बेरियम सल्फेट मिल जाए तो इसको बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रोजनमंड रिडक्शन, और प्रोडक्ट क्या है, बेंजल डिहाइड। ओके, तो चूंकि ये पार्शियल रिडक्शन हुआ, ये एक पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट, और बेरियम सल्फेट पाउडर का क्या काम है, यही वो है जो पैलेडियम सरफेस की रिएक्टिविटी को कम कर रहा है। अगर ये नहीं लेते तो क्या हो जाता, अगर सिर्फ H2PD लेते तो रिएक्शन अल्कोहल पे जाकर के रुकती, 1 डिग्री अल्कोहल आपको मिलता। नाउ नेक्स्ट, अगर साइनाइड का अगर पार्शियल रिडक्शन करेंगे, अगेन ये भी जो है वो आपका पार्शियल रिडक्शन है, अगर साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो अगेन आपको अल्डिहाइड मिलेगा, कैसे, तो SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे ध्यान से देखो, 3+2 में है, और ये कहाँ जा सकता है, +4 में, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 2H+ से आपको 2 nascent हाइड्रोजन मिलेंगे, 2 oxidation स्टेट का चेंज, तो H+ H में चला जाएगा, 2 nascent हाइड्रोजन मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट केस में एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इसको भी H देना और इसको भी H देना है। तो ध्यान से देखो, मैंने वही दिखाया है, पहले केस में आपका आईमीन बन जाएगा, ओके, दोनों कार्बन और नाइट्रोजन को एक एक हेच मिल जाएंगे। नाउ उसके बाद क्या किया गया, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को कैसे दिखा सकता है, H3O+ दे दिया तो, H+ सिर्फ लिख दिया तो, वाटर लिख दिया तो, या सिर्फ हाइड्रोलिसिस वर्ड लिख दिया तो, इन सब का एक ही मतलब है। तो हाइड्रोलिसिस का भी ट्रिक आपको दे रखा हूँ, आपको 2 different इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को हेच देना है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH देना है, और ये हमने ब्रेक कर दिया। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर को बाहर कर दो, यू विल गेट अल्डिहाइड, बाय प्रोडक्ट में आपका अमोनिया आ जाएगा। तो ये नेम रिएक्शन आपको एज इट इज ध्यान में रखना है कि रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, और उसमें सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एज इट इज ये पूछे जाएंगे आपको। नाउ नेक्स्ट 5 कि अगर फिनॉल अगर आपको कहीं पे दिख जाए, ध्यान दें बेंजीन पे अगर डायरेक्ट OH लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल कहीं पे दिख जाए इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम NOH, तो पहले क्या बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ये आपका एसिड हो गया, राइट, और ये आपका बेस हो गया। एसिड बेस रिएक्शन से ये H+ हट जाएगा, O-, तो इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। इंपॉर्टेंट है ये फिनॉक्साइड आयन, जो रेजोनेंस की वजह से कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, ऑर्थो पोजिशन पे एंड पैरा पोजिशन पे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो C(OO), एक तरह से ये कार्बोनिल कार्बन हो गया, राइट, C(O), तो जो इसका ऑर्थो वाला नेगेटिव चार्ज है वो इस पर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो इसलिए ये एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और ऑर्थो पोजिशन पे आपका क्या बन जाएगा, C(O), और फिर चूंकि आपने H+ लिया है तो जो बेसिक मीडियम की वजह से O पे माइनस था वो अब एसिडिफाइड होकर के H आ जाएगा। तो डैट मीन्स आपको ऑर्थो पोजिशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएंगे, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, चूंकि ये डॉन फंक्शनल ग्रुप है तो 1
टू, टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, राइट। इसका कॉमन नेम, घर का नाम क्या है? सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलेंगे? सैलिसाइलिक एसिड। और इस रिएक्शन को, ये इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कोलवेज रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलवेज रिएक्शन। तो जब भी आपको फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, तो आपको फिनॉल के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन पे ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ओ है, राइट, डेट मीन्स सी ओ टू, तो ये सबको एज इट इज पूरा रख देना है। डेट मीन्स सी डबल बॉन्ड ओ, देखो पूरा आ गया है सी ओ टू वाला पार्ट, और H लगा देना, डेट मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा कोलवेज रिएक्शन। इसमें जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो ध्यान देना है कि ऑर्थो वाला ही मेजर प्रोडक्ट क्यों हो गया। जनरली पैरा मेजर होता है, ऑर्थो क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ऑर्थो विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ऑर्थो मेजर होंगे और पैरा माइनर होंगे। सिमिलरली अगेन फिनॉल की रिएक्शन, अगर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये आपका हो गया क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम, अगेन जरूरी नहीं कहने हो बेसिक मीडियम क्रिएट करना है, तो क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम होगा, तो आपको पहले ये एक इंटरमीडिएट मिलेगा, ये एक इंटरमीडिएट मिलेंगे। डैट मीन्स कि अगेन वही पॉइंट है, NOH इससे ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये ले लेगा, तो आपका क्या बनेगा? फर्स्ट केस में CCl3-, कार्बन पे नेगेटिव है तो एक क्लोरीन का लॉस हो जाएगा और ये बन जाएगा CCl2, जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट भी पूछा जा सकता है, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है? तो डाइक्लोरोकार्बीन। प्रोडक्ट का इंटरमीडिएट क्या है? तो ये इस टाइप का इंटरमीडिएट बनता है, राइट। अब ध्यान से देखो, तो उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो ये दोनों Cl निकल करके दो OH आएगा, एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर बाहर चला जाएगा, तो आपका जो आएगा ऑर्थो पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे एसिड आया था, यहाँ पे अल्डिहाइड हो जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा? चूंकि अगेन डॉन फंक्शनल ग्रुप है, 1-2, तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसका घर का नाम सैलिसाइलल्डिहाइड, राइट। तो ये जो रिएक्शन है फिनॉल की इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसिडिफाइड मीडियम, तो जो आपको प्रोडक्ट मिला 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, तो इस रिएक्शन का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर टाइमन रिएक्शन। तो इसको ध्यान से रखना है, आरटी रिएक्शन है ये, आरटी रिएक्शन, रीमर टाइमन रिएक्शन। तो ये फिक्स है, जो ये रिएक्टेंट होंगे, ये रिएजेंट होंगे, तो ये प्रोडक्ट ऑफ फिक्स। अगर सपोज करो किसी ने गलती से CaCl3 की जगह CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया होता, बाकी सब कुछ सेम, तो यहाँ पे फिर आपका क्या मिल जाता एज ए मैन प्रोडक्ट? ये ऊपर वाला आपको मिल जाता सैलिसाइलिक एसिड। तो आपको क्या मिल जाता? सैलिसाइलिक एसिड। तो बस ध्यान रखना है फिनॉल की दो रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम CO2 यू विल गेट सैलिसाइलिक एसिड और कोलवेज रिएक्शन इसका नाम होगा, और अगर फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम तो यू विल गेट सैलिसाइलल्डिहाइड, और इस रिएक्शन का नाम होगा रीमर टीमन रिएक्शन, और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया तो फिर से आपको सैलिसाइलिक एसिड मिल जाएगा। नाउ बेंजीन या उसके डेरिवेटिव का मतलब है कि बेंजीन पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, आइदर बेंजीन हो, ज़्यादातर यही रहते हैं, या फिर बेंजीन पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, उसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl करा रहो, एज ए कैटलिस्ट यू कैन यूज एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूपरस क्लोराइड, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो क्या करेगा ये सब Cl को लेकर के बाहर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? H+ क्रिएट हो जाएगा, जो CO से एक्चुअल में ये बना लेंगे आपका, डैट मीन्स आपका एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो अगर बेंजीन सिर्फ है तो फिर आपको कहीं पे भी अल्डिहाइड ग्रुप लगा देना, और अगर बेंजीन के डेरिवेटिव है, डैट मीन्स इस पर कोई फंक्शनल ग्रुप अगर लगे हुए हैं, तो उस फंक्शनल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम है या माइनस एम? प्लस एम होगा तो ऑर्थो पे लगाना है, पैरा पे लगाना है, और अगर माइनस एम होगा तो मेटा पे लगाना है। तो डैट मीन्स आपको बेंजीन पे क्या ले आना है, ये ध्यान से देखो, ये COH, ये पूरा है, तो अल्डिहाइड ग्रुप ले आना है। इस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन कोच रिएक्शन। ध्यान दे, जब डाइजोनियम में कॉपर जीरो वाला था तो उसका नाम था सिर्फ गैटरमैन, राइट, बट यहाँ पे अगर बेंजीन या उसके डेरिवेटिव है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एनहाइड्रस AlCl3, तो फिर इसका नाम गैटरमैन कोच रिएक्शन।
तो ये सब नेम रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ कि चेंजेज कहाँ पे हो रहे हैं उसको ध्यान से रखना है। नाउ नेक्स्ट, अगर कहीं पे भी आपको टॉलुइन दिख गया, क्या बेंजीन पे कोई मिथाइल ग्रुप, राइट, बेंजीन पे अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं टॉलुइन। टॉलुइन दिख गया इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड और नॉन पोलर सॉल्वेंट, ओके, और उसके बाद फिर आप उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको पहले एक ये इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। डैट मीन्स ये कार्बन के जो दो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे क्रोमियम के कंपाउंड से, क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे वो दो हाइड्रोजन हट कर करके, और एक हाइड्रोजन आपका रह ही जाएगा, राइट, क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। उसके बाद फिर आप जब हाइड्रोलिसिस किए तो यू नो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपको इस कार्बन पे दो OH आ जाएंगे। यू नो एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं तो वाटर बाहर चला जाएगा तो आपको अल्डिहाइड मिल जाएंगे। तो इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इटार्ड रिएक्शन। तो फिक्स है, मिथाइल ग्रुप लगाना चाहिए बेंजीन पे, डेट मीन्स टॉलुइन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड और हाइड्रोलिसिस यू विल गेट बेंजल डिहाइड एज द मेन प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। वैसे ही इसके बारे में पूरा मैं आपको बता रखा हूँ रिडक्शन वाले में कि अल्डिहाइड या कीटोन होगा, राइट, जिसमें सी डबल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अल्डिहाइड या कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसनट्रेटेड, तो क्या हो जाएगा रिडक्शन। आपको क्या करना है, ये सी डबल बॉन्ड वाला दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देना है, इसको दो हाइड्रोजन दे देना है और इसको भी दो हाइड्रोजन दे देना है, तो राइट, तो क्या बन गया एक तरह से यहाँ पे एल्केन आपका बन जाएगा अगर सिर्फ अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो। इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन, और इसका मैंने ट्रिक दे रखा है, जहाँ होगी कल्लो अल्डिहाइड कीटोन को करेगी हेलो, तो वो वहाँ पे पूरा मैं आपको बता रखा हूँ। वैसे ही अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप अगर कहीं पे दिख जाए NH2, डेट इज हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम एज ए सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकोल यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा हीट करोगे तो पहले केस में तो आपको ये आयमीन वाला बन जाएगा। अगेन ये वन ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन है, और फिर जब बेसिक मीडियम में इसको आप ये करोगे तो आपका ये बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, अगेन इसको हेच, इसको हेच और इसको हेच और इसको हेच, तो आपको अगेन एल्केन मिल जाएगा अगर ओनली अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप हुआ तो, और N2 गैस यहाँ पे बाहर चली जाएगी। इस रिएक्शन का नाम है वुल्फ किशनर रिडक्शन। इसका भी मैंने ट्रिक दिया था, नहीं नहीं वुल्फ ने कृष्णा को बोला अल्डिहाइड कीटोन होगा अकेला, तो आप रिडक्शन वाले वीडियो लेक्चर में जा करके देख सकते हो वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि थैलीमाइड हम कैसे बनाएंगे। रिएक्शन का नाम रहेगा गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री अमाइन अगर बनाना हो, ध्यान दे, इससे सिर्फ और सिर्फ हम 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं। डैट मीन्स यू कैन नॉट प्रिपेयर 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन फ्रॉम दिस रिएक्शन गैब्रियल थैलीमाइड। तो देखो इसमें करना है कि आपको थैलिक एसिड लेना है। थैलिक एसिड क्या होता है, जब बेंजीन के दो एडजेसेंट पोजिशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की रिएक्शन जब आप अमोनिया से करा देंगे तो अमोनिया का दो हाइड्रोजन और ये एसिड ग्रुप का OH, ये वाटर के फॉर्म में बाहर चला जाएगा तो आपको मिलेगा थैलीमाइड। ये एक्चुअली यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है रिएक्शन को, या यहाँ से भी थैलीमाइड होना चाहिए। थैलीमाइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम कराते हैं, अनली थिंग इज कि बेसिक मीडियम होना चाहिए, तो बेसिक मीडियम होगा तो OH माइनस आपका इसका जो ये H है इसको ले लेगा तो आपका क्या बन जाएगा, एक तरह से नाइट्रोजन पे माइनस आ जाएगा। डैट मीन्स ये एक न्यूक्लियोफाइल का आप काम करेगा, इसलिए इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन अब हमने एल्काइल हैलाइड पे कराया है तो यू नो इस पे पार्शियल डेल प्लस, इस पे पार्शियल डेल माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, राइट। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने की वजह से ये आपका बन जाएगा, आप ध्यान से देखो N माइनस जब इस पे क्या तो X बाहर चला जाएगा आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या कर देना है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, क्यों, क्योंकि हमने बेसिक मीडियम ले रखा है तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट बस बता रखा हूँ, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देना है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, तो ये हमने दिया तो इसलिए इस कार्बन पे आपका OH आ जाएगा, चूंकि बेसिक मीडियम क्रिएट कर रखा है तो इसलिए H प्लस इसके पास नहीं रहेगा तो ये O माइनस के फॉर्म में रहेंगे और इस नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन, तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन बन गया।
यहीं से हमें दो पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ से दो पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट तो ये कि आप जो आरएक्स लेंगे वो क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन नहीं हो सकता, एराइल वाला ग्रुप नहीं हो सकता, एराइल से आप नहीं बना सकते। डैट मीन्स वी कैन नॉट प्रिपेयर एनिलीन, आप कभी भी इस मेथड से एनिलीन नहीं बना सकते। रीजन, क्योंकि यू नो इसके पास लोन पेयर होता है तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है। तो वी कैन नॉट प्रिपेयर एनिलीन बाय गैब्रियल थैलीमाइड एंड ऑल्सो वी कैन नॉट प्रिपेयर 2° एंड 3° एमाइंस। ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, ओनली 1°। दूसरा एक और पॉइंट जो आप ध्यान से देखेंगे कि क्यों मैं 2°, 3° नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बचना जरूरी है। जब ये हाइड्रोजन बचेगा, बेस से रिएक्ट करेगा, तभी एन पे माइनस आएगा, फिर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अगर मैं हेच की जगह आर ले लिया होता तो प्रॉब्लम क्या होती, यहाँ पे हेच की जगह क्या होता आपका, आर होता, राइट। अब चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बचा नहीं, बेस से रिएक्शन होगी नहीं, नाइट्रोजन पे माइनस आएगा नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर तो कहाँ जा चुका है, रेजोनेंस में, इसलिए ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करता, इसलिए हम 2°, 3° नहीं बना पाते हैं। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, और उस रिएक्शन का आज हम बनाएंगे बर्थडे, क्योंकि उस रिएक्शन का नाम हमने प्यार से रखा है हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन का मतलब क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, सबका मैंने फर्स्ट लेटर ले लिया HBD, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। तो करना क्या है, इसमें आपको एमाइड ग्रुप कहीं पे भी दिख जाए, क्या एमाइड ग्रुप RC डबल बॉन्ड NH2 एमाइड ग्रुप दिख जाए तो इसको बीच से निकाल देना है, खत्म कर देना है। ये जैसे हट गया तो बचा क्या RNH2, प्रोडक्ट बना देना आपको RNH2। तो ध्यान दें, यहाँ से भी आपको कौन सा अमाइन मिल रहा है, 1° अमाइन। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1°। बट पॉइंट्स अब क्या क्या है कि जब भी एमाइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड बेसिक मीडियम आपको दिख जाए तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन आपका क्या हो जाएगा इसमें लेस, एक कार्बन निकल जा रहा है सी डबल बॉन्ड के फॉर्म में, राइट। यहाँ पे क्या होता है, ये जो एल्काइल ग्रुप है इसका माइग्रेशन होता है किस पे, नाइट्रोजन पे। तो ये पॉइंट भी ध्यान देना है, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन नाइट्रोजन। और ये डिग्रेडेशन क्यों है, क्योंकि कार्बन लेस हो गया है, राइट। इस रिएक्शन का बैलेंसिंग फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है, 1 मोल ऑफ अमाइड रहेंगे, 1 मोल ऑफ Br2, 4 मोल जब आप बैलेंस करेंगे 4 मोल ऑफ NOH विल गिव यू 1 मोल ऑफ RNH2 1° अमाइन, 1 मोल ऑफ Na2CO3, 2 मोल्स ऑफ NaBr एंड 2 मोल्स ऑफ H2 आपको मिलेंगे। तो इसका बैलेंस रिएक्शन भी याद रखना, कभी कभी इस पे बेस भी मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, दैट इज कार्बाइल एमीन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन। तो ये अगेन ओनली 1° एमीन, ध्यान दें ओनली 1°, आइदर वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो चलेगा, ओनली प्राइमरी एमीन ये टेस्ट देता है। इसलिए 1°, 2°, 3° एमीन को अगर आपको सेपरेट करना हो तो इससे सिर्फ और सिर्फ आप 1° एमीन के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि 2° और 3° एमीन ये रिएक्शन नहीं देता है। 1° में एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, डैट मीन्स आर कैन बी बेंजीन और कैन बी नॉन बेंजोनाइड स्ट्रक्चर। तो उन दोनों केस में क्या करना है, क्लोरोफॉर्म लेना है अगेन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ध्यान दें, क्लोरोफॉर्म एक बार और हमने यूज किया था, कौन सी रिएक्शन में, जब फिनोल की रिएक्शन कराया था, सैलिसाइलल डिहाइड बनाया था, रीमर टेमन रिएक्शन। तो वहाँ पे और एक यहाँ पे यूज हो रहा है, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम और हीट लेंगे तो आपको NC आइसोसाइनाइड मिलेगा, CN साइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड मिलेगा जिसका फॉल स्मेल होता है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड या कार्बाइल एमीन बोल सकते हैं, राइट। तो 1° एमीन की यह खास पहचान है कि 1° एमीन में अगर आपने क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम डाला तो फॉल स्मेल आने का मतलब आइसोसाइनाइड बन गया है। नाउ अगेन इसका भी बैलेंस रिएक्शन ध्यान रखना है, 1 मोल ऑफ अमाइन एंड 1 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म 3 मोल्स ऑफ KOH के साथ रिएक्ट करके आपको 1 मोल आइसोसाइनाइड, 3 मोल्स KCl एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर देंगे। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन में ध्यान रखना है, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप देख लें और समझ लें। A1 इज गैब्रियल थैलीमाइड, 2nd इज हैप्पी बर्थडे रिएक्शन एंड 3rd इज कार्बाइल एमीन टेस्ट। तो नेम रिएक्शन ट्रिक में पहला जो अपना नेम रिएक्शन है, डैट इज कॉल्ड अल्डोल,
या फिर अल्डोल कंडेंसेशन, दोनों में बेसिक डिफरेंस है जो भी हम समझेंगे। तो ध्यान से देखो कि ये रिएक्शन में इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके पास आइदर अल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनना, अल्डिहाइड या कीटोन, डैट मीन्स वैसे जिसमें सी डबल बॉन्ड ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो, तो अल्डिहाइड एंड कीटोन आपको लेना है। और अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन की पहचान कैसे है कि सी डबल बॉन्डों के बगल में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, ध्यान दे। और उस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, तो एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन तो चाहिए ही, अल्डोल या अल्डोल कंडेंसेशन के लिए एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। देखो इसका जो रिएजेंट है वो बहुत ही सिंपल है, बेसिक मीडियम जैसा आपको क्रिएट करना है, इसलिए वो सिर्फ OH- लिख करके दे सकता है, NOOH लिख करके दे सकता है, कोई भी बेस दे दे, बैरियम हाइड्रोक्साइड लिख करके दे सकता है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट भी दे सकता है, ये सब उसकी पहचान है। बस बेसिक मीडियम हमें क्रिएट करना है, बेसिक मीडियम में अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो वो आपका अल्डोल या अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। करना क्या है आपको, तो वेरी सिंपल है कि आपको देखो, ध्यान से देखो, जो सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ, एक मॉलिक्यूल का सी डबल बॉन्ड ओ सामने रखो और इस कार्बन पे ध्यान से देखो, इस कार्बन पे एक तरफ R एक तरफ CH3 है, तो एक तरफ R एक तरफ CH3 और सी डबल बॉन्ड ओ। दूसरी बार में क्या करना है, इसी मॉलिक्यूल का जो दो अल्फा हाइड्रोजन है उसको सी डबल बॉन्ड ओ के सामने करना है, तो देखो दो हाइड्रोजन को सामने किया, राइट, इस कारण पे एक और हाइड्रोजन बच गया सी डबल बॉन्ड ओ आर, और वाटर को क्या कर देना आपको, बाहर निकाल देना है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा ध्यान से देखो, CR CH3, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा CH सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कहलाता है और ये वाला बीटा, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अनसेचुरेशन आ गया, राइट। एक बार और अब ध्यान से समझो, जैसे सपोज करो मैंने ये लिया, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ, राइट, उसके बगल वाला कार्बन इसलिए रेड कलर से दिखाया है, ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके पास हाइड्रोजन है, बेसिक मीडियम में अल्डोल की परफेक्ट कंडीशन हो गई। तो आपको करना क्या है, एक मॉलिक्यूल ऐसा ही एज इट इज उठाना है, ध्यान से देखो मैं सी डबल बॉन्ड ओ को सामने कर रहा हूँ, बाकी जो चीज जैसे वैसे लिख दो, एक तो आपको ऐसे उठाना है एक मॉलिक्यूल, दूसरा यही मॉलिक्यूल उठाना है क्योंकि अभी एक ही यही है, और आपको क्या करना है, इसका दो हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड ओ के सामने करना है, कौन सा वाला, अल्फा वाला, ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो इस कार्बन का दो हाइड्रोजन सामने किया, एक हाइड्रोजन था, उसके बाद इस कार्बन पे क्या था, ध्यान से देखो, इस कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ और फिर इधर CH3 था, तो उसको मैंने लिख दिया सी डबल बॉन्ड ओ CH3, वेरी सिंपल है बनाना, और क्या करना है, आमने सामने का हिस्टो बाहर कर देना है, तो ध्यान से देखो क्या हो गया, आप यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, तो आपका ये सी पे CH3, इधर CH3, ये डबल बॉन्ड सी, ये फिर सी डबल बॉन्ड ओ और ये CH3, इस कार्बन का तीन ही बॉन्ड हुआ और एक हेच था, तो एक हेच इधर दिखा दो, राइट, तो ये इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कहलाता है और ये बीटा, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन आ चुका है, तो ये तब आएगा जब थोड़ा हीट करोगे, तो इसको बोलेंगे अल्डोल कंडेंसेशन, ध्यान दें अल्डोल कंडेंसेशन। और सपोज करो सिर्फ अल्डोल प्रोडक्ट पूछा है, तो आपको क्या करना है, ये वाले पाई बॉन्ड को हटा देना है और इस पे OH और इस पे H देना है, तो आपका प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ये CH3 रहेगा, ये CH3, ओके, इस कार्बन पे क्या आ जाता, एक और H, तो ये हो जाएगा CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 और इस पे क्या कर देना है OH, यही OH और यहाँ का H बाहर जाता है, तो आपका ये डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, अल्डोल, इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ अल्डोल, और जब वाटर आप बाहर निकाल देंगे तो इसलिए वर्ड आया कंडेंसेशन, तो अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा बीटा कार्बन के बीच अनसेचुरेशन आएगा, अल्डोल में बीटा पे OH होंगे, बस ये ध्यान रखना है, राइट, और थोड़ा सा भी हीट होगा तो आपको अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना, अदरवाइज अल्डोल बनेंगे। सिमिलर टाइप की रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 2, डेट इज अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन था, यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो अल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो इससे ज़्यादा बेसिक मीडियम में, डेट इज स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम क्रिएट करना आपको, तो कभी कभी 50% NOH भी लिख देगा या कॉन्क NOH, तो इससे ज़्यादा बेसिक मीडियम में, और अगर कोई अल्फा हेच नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होते हैं और रिड्यूस भी होते हैं, इसलिए ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन।
और इस रिएक्शन का स्पेशल नाम है कैनिजारो रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है? अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो फिर ये रिएक्शन होगी। इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और वही मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। तो ध्यान से देखो, अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो एच की जगह ओ आ जाएंगे, तो इसलिए ये आपका बेंजोइक एसिड बन गया। और माइनस क्यों देखा रखा, क्योंकि आपने बेसिक मीडियम क्रिएट कर रखा है, इसलिए एच इसका बेसिक बेस जो है वो लेकर के चला जाएगा, तो इसलिए एनायन फॉर्म में ये रहेगा। और दूसरा, इसको फिर रिड्यूस करना है, तो क्या करना है, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, इसको भी एच और इसको भी एच, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल आपका। तो ये ऑक्सीडाइज और ये रिड्यूस प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है और ये रिड्यूस प्रोडक्ट है, तो एक ही रिएक्शन में दोनों पार्ट हो रहा है, इसलिए ये डिसप्रोपोर्शनेशन है। तो वेरी सिंपल फंडा है, जहाँ भी अल्डिहाइड या कीटोन दिख जाए इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, अगर अल्फा एच है तो अल्डोल या अल्डोल कंडेंसेशन कराना है, अल्फा एच नहीं है तो कैनिजारो कराना है। कैनिजारो में वही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होंगे, अल्डोल में जो भी मॉलिक्यूल आपको गिवन है एक बार उसका सी डबल बॉन्ड ओ सामने कर देना है, और एक बार जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको सामने कर देना और वाटर बाहर निकल देना है। ध्यान से देखो, इसका नाम अल्डोल क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है और एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए इसका नाम है अल्डोल। अगर कीटोन होता तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता और अल्कोहल, इसलिए कीटोल भी बोल सकते हैं, बट अल्डोल के नाम से ही उसको जानते हैं। नाउ नेक्स्ट तीन, अगर कहीं पर भी आपको एल्काइन दिख जाए, सी ट्रिपल बॉन्ड सी राइट, और ट्रिपल बॉन्ड के दोनों जो कार्बन हैं उनके दोनों साइड कार्बन कार्बन हो, या एक कार्बन एक हाइड्रोजन हो, या दोनों हाइड्रोजन हो, डैट मीन्स आपको एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 Hg+2 में होना चाहिए। अगर ये कहीं पे दिख जाए तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखें, आपको क्या करना है, जब भी एल्काइन की रिएक्शन HgSO4 से कराओगे तो वो वाले कार्बन जिस पे प्लस चार्ज स्टेबल होगा, डैट मीन्स स्टेबल कार्बोकैटायन जिस कार्बन पे बनेगा वो आपको चेक कर लेना, उसको ऑक्सीजन देना है, और जो अदर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसको दो हाइड्रोजन देना है। इस रिएक्शन का नाम है कुचेरब रिएक्शन। तो बात को समझे, क्या करना है आपको, ट्रिपल बॉन्ड में का दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड का दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, और जिस कार्बन पे प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा उसको ऑक्सीजन देना है, अदर वाले कार्बन को दो हाइड्रोजन देना है, तो आपका इस रिएक्शन को बोलेंगे कुचेरब रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे देखो यहाँ पे हमने ले रखा है, तो यू नो कि हमें दो पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना है, राइट। अब एक कार्बन को ओ देना है और एक कार्बन को दो एच देना है, किसको देना है, तो ध्यान से देखो, इसका प्लस एम इफेक्ट होगा तो इस पे प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, चूँकि इसका माइनस एम इफेक्ट होगा तो इस पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए हमें इसको ऑक्सीजन देना और इसको दो हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट सिंपल देखो कैसे बनाएंगे, सिंपल आपका ये जो बेंजीन रिंग थी इससे NO2 थे, इस पे आप दो हाइड्रोजन देना है, तो दो हाइड्रोजन आपने दे दिया, इस पे सी डबल बॉन्डो बना देना है, और बाकी चीज़ों को एज इट इज रहने देना है, बाकी चीज़ों में आपको कुछ नहीं करना है। तो आई होप समझ गया होगा, वेरी सिंपल फंडा है। जब भी एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 देखे तो वो कार्बन जिस पे प्लस चार्ज स्टेबल होगा उसको ऑक्सीजन देना है, दूसरे वाले कार्बन को दो हाइड्रोजन देना है, दोनों पाई बॉन्ड को आपको ब्रेक कर करके। ओके, नेक्स्ट अगेन एल्काइन की रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो रिएजेंट है वो NaNH2 या सोडियम इन लिक्विड एमोनिया। इस रिएक्शन का नाम है बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन, और एंटी एडिशन होता है क्योंकि कार्बन आयन इसमें फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमें एल्काइन लेना है वो नॉन टर्मिनल होना चाहिए। नॉन टर्मिनल मतलब जो सी डबल बॉन्ड सी है उसके दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, तब जा करके ये वाली रिएक्शन हो पाएगी। और इसमें जो हाइड्रोजन ऐड होंगे वो एंटी साइड पे होंगे, इसलिए एंटी एडिशन है। डैट मीन्स आपको ट्रांस वाले एल्कीन मिल जाएंगे, एक तरह से एल्काइन से एल्कीन बनाने का प्रोसेस भी हो गया। अगर सर टर्मिनल वाला ले लिया, तो मतलब आपने ट्रिपल बॉन्ड के किसी भी साइड अगर एक हाइड्रोजन है टर्मिनल एल्काइन ले लिया, तो चूंकि ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक होता है ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, तो एसिडिक होने की वजह से आपका सोडियम मेटल इससे रिएक्ट कर जाएगा और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एसिड बेस रिएक्शन होने की वजह से आपको ये एनायन मिल जाएंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी, तो यहाँ पर आपका बर्च रिडक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट 5, देखो कहीं पे भी आपको एल्कीन दिख जाए, डैट मीन्स डबल बॉन्ड, और उसकी रिएक्शन दो कंडीशन में हो सकती है, O3 ओजोन
लेकिन उसके बाद अगर जिंक मेटल दिख जाए या डाइमिथाइल सल्फाइड Me2S दिख जाए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो फिर इसको बोलेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर सिर्फ ओजोन है और वाटर है, या फिर K1O4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम है, या K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम है, इन तीनों का सेम काम है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो ध्यान दे, थोड़ा सा डिफरेंस है, रिएजेंट का ध्यान देना है, ओजोन दोनों में है, वाटर दोनों में। अगर ये जिंक दिख जाए या Me2S ये दिख गया तो रिडक्टिव करेंगे, और अगर ये नहीं दिखा तो ऑक्सीडेटिव करेंगे। जो ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कर सकता है वही काम K1O4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम कर सकता है, और वही काम K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम कर सकता है। करना क्या है सर वो बताओ। देखो वेरी सिंपल फंडा है, जहां पे भी एल्कीन दिख जाए उसको परपेंडिकुलर कैंची की तरह कट कर देना। ध्यान से देखो, ऐसे कट कर देना, ध्यान दे कि डबल बॉन्ड के परपेंडिकुलर कैंची चलाना है आपको, पहले नहीं, डबल बॉन्ड के अलोंग नहीं चलाना है, बस समझ गए, डबल बॉन्ड के परपेंडिकुलर कैंची चला देना है तो दो फ्रेगमेंट बन जाएंगे, दोनों साइड ऑक्सीजन भर देना है, क्योंकि कट किया है तो उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर कट किया, इधर भी ऑक्सीजन भर दिया और इधर भी ऑक्सीजन भर दिया, तो ये बन गया। तो अगर आपने रिडक्टिव कराया तो सिर्फ डबल बॉन्ड को कट कर देना और ऑक्सीजन भर देना, डेट्स इट। अगर ऑक्सीडेटिव होगा तो क्या होगा सर, तो अगर ऑक्सीडेटिव होगा तो अगर डबल बॉन्ड पे हेच है, ध्यान दे डबल बॉन्ड पे हेच है, तो उसको फिर OH करना पड़ेगा। इसीलिए अगर हम रिडक्टिव करें तो डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे अगर दोनों कार्बन है तो कीटोन प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर इधर हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा। जबकि वहीं पे ऑक्सीडेटिव करें तो इधर वाला तो अभी भी कीटोन ही था, राइट। अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन है तो वो तो कीटोन ही होगा, लेकिन डबल बॉन्ड के एक साइड कार्बन एक साइड हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको एसिड ग्रुप मिलेंगे। तो आई होप फंडा वेरी क्लियर होगा, सिंपल है, डबल बॉन्ड को परपेंडिकुलर कट कर देना और ऑक्सीजन भर देना है, तो ये रिडक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अगर ऑक्सीडेटिव की कंडीशन है, डेट मीन्स ये रिएजेंट अगर आपने लिया है तो रिडक्टिव वाला प्रोडक्ट पहले बना लो, फिर उसके बाद क्या देखना आपको कि क्या डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन था तो उसको OH कर दो। सर दोनों साइड अगर हाइड्रोजन होते तो इधर भी होता तो इसको भी OH कर देते, और यू नो एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होता है, तो आप वाटर बाहर निकाल देते और आपको CO2 मिल जाता। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट जो 6-1 है, 6-1 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज नोन एज हेलो फॉर्म टेस्ट। तो इसके लिए कंडीशन क्या वो ध्यान दो, सी डबल बॉन्डो के एक साइड मुझे मिथाइल ग्रुप चाहिए, बस। क्या मेरी बात को ध्यान से सुनो, सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड CH3 होना चाहिए, बस एक ही कार्बन होना चाहिए, उधर जितने कार्बन की चैन हो वो चलेगा, और उधर कार्बन ही होना चाहिए उधर भी, ओके। या फिर जो कोई फंक्शनल ग्रुप OH या हेलोजन कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जो इजीली रिमूव हो सकता हो, राइट, या ऑक्सीडाइज हो सकता हो, अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो अगेन उसके एक साइड मुझे एक ही कार्बन चाहिए। ध्यान दे, जिस कार्बन पे OH या हेलोजन या वैसे ग्रुप जो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हो, उस कार्बन के एक साइड मुझे एक ही कार्बन चाहिए और उधर जितना कार्बन हो चलेगा। सेम वही कंडीशन, सी डबल बॉन्ड के एक साइड मुझे एक ही कार्बन चाहिए, मिथाइल ग्रुप चाहिए, और उधर जितना हो कार्बन चलेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम एंड हेलोजन NOH एंड X2 करके दे देगा, या ये रिएक्शन होगी तो NaOH बन जाएगा, राइट। जैसे आपको कैसे दे देगा, NaOI ऐसा करके दे देगा, या NaOBR, ये सब देख करके बच्चे डर जाते हैं। वेरी सिंपल है, यही है NaOX, X कैन बी ClBri। तो अगर, या फिर बेसिक मीडियम में हेलोजन दे दे, तो आपको बेसिक मीडियम में हेलोजन या NaOX दे दे, और सी डबल बॉन्डों के साथ एक साइड मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, या फिर जिस कारण पे आपका हेलोजन या OH ग्रुप लगा हुआ है उसके एक साइड सिर्फ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, दूसरे साइड सिर्फ कार्बन होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हेलो फॉर्म टेस्ट हो जाएंगे। और आपको करना क्या, ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला और CH3 वाला जो बॉन्ड है इसको हटा देना है, इसको अगेन ब्रेक कर देना है। और ध्यान दे, यहाँ पे तो ऑक्सीजन इधर भर दोगे, इधर तो ऑक्सीजन, उधर क्या करना है, ये जो तीनों हाइड्रोजन थे, तीनों हाइड्रोजन की जगह किसको भर देना है, हेलोजन को, और एक और हाइड्रोजन उसको दे देना है, क्योंकि कार्बन 4-1 बनाएगा, तो CHX3 ये बन गया आपका
हेलोफॉर्म, अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म बोलेंगे, ब्रोमीन होता तो ब्रोमोफॉर्म बोलते, आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म। इसलिए आयोडीन से जनरली कराते हैं NOI से, क्योंकि इस केस में येल्लो प्रिसिपिटेट मिलता है जिससे हमें पता लग जाता है कि एसिटाइल ग्रुप है। सी डबल बॉन्डोस के एक साइड CH3 है, अगर ये पहचानना हो तो आप ये रिएजन डाल दो, अगर येल्लो प्रिसिपिटेट आ रहा है तो इसका मतलब सी डबल बॉन्डो CH3 या फिर ये सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो इसीलिए ये कुछ बच्चे ऐसा समझ लेते हैं, ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्ड ये तो है लेकिन इधर कार्बन नहीं है, तो ये आपको हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। Cl है, अगर OH है या OCH3 है एक साइड में, तो ये सब आपको हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। इसलिए हमने बोला सी डबल बॉन्ड O के एक साइड मिथाइल होना चाहिए, दूसरे साइड कार्बन होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पे अगेन एल्काइन आपको दिख गया, क्या दिख जाए, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले और रेड हॉट आयरन दिख जाए, तो आपको क्या करना है, वेरी सिंपल है, पॉइंट ध्यान से देखो, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसके दोनों साइड हाइड्रोजन हो सकता है, एक साइड कार्बन एक साइड हाइड्रोजन हो सकता है, दोनों साइड कार्बन हो सकते हैं, ओके, कोई भी एल्काइन हो सकता है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्डेड होना चाहिए। आपको क्या करना है, रेड हॉट आयरन, राइट, ये एज ए कैटलिस्ट का काम करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड बना देना। तो आपको क्या करना है, जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाले हैं, ये दो कार्बन को तीन बार लिखना है, डैट मीन्स इसके आपको तीन मॉलिक्यूल लेने हैं, तीन मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, राइट, कोई भी इधर गिवन होगा, पहले सी डबल बॉन्ड सी वाले को तीन बार लिख देना है। उसके बाद ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पाई बॉन्ड मैंने हटाया, राइट, सबका एक एक पाई बॉन्ड हटा दो, देख लो ध्यान से, सबका मैंने एक एक पाई बॉन्ड हटा दिया और सबको क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, ध्यान से देखो, ये मैंने कनेक्शन कर दिया, बात समझ में आई मेरी। मैंने क्या किया था, पहले सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाले तीन मॉलिक्यूल लिख लिए, क्योंकि इसके तीन मॉलिक्यूल लेंगे, और सबका एक एक पाई बॉन्ड हटा करके कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको देखना है कि जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी पे क्या लगा हुआ है, राइट, तो इस कारण पे HR लगा हुआ है, या मैं इससे ले रहा हूँ, सपोज करो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक साइड H रख रहा हूँ और एक साइड R, तो अगर मुझे इसका बनाना है तो ये तीन बार लिख लिया और एक एक पाई बॉन्ड हटा कर करके कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इस कार्बन पे R है तो इस कार्बन पे H है, तो ध्यान से देखो ये दो कार्बन हो गए वाले, अगर इस पे R है तो इस पे H है, राइट, अगेन अगर इस पे R है तो इस पे H है, और अगेन इस पे अगर R है तो इस पे H है, मतलब अल्टरनेट पे आपको कर देना है, ध्यान से देखो, इस पे आया तो इस पे नहीं, फिर इस पे, क्यों, क्योंकि दो दो कार्बन है, तो एक पे R था एक पे H था, फिर इधर ले लो, फिर एक पे R एक पे H था, फिर इधर ले लो, फिर एक पे R एक पे H था, तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा बेंजीन एक्चुअली में, ध्यान से देखो, डबल सिंगल डबल से। सेम इसी टाइप की रिएक्शन होती है जब आप एसीटोन लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में भी आपको एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। तो अगेन इसके भी आपको तीन मॉलिक्यूल लेना है, और तीन मॉलिक्यूल में सी डबल बॉन्डो को एक बार सामने में दिखाना है, राइट, ध्यान से देखो, ये जो सी डबल बॉन्डो ओ वाला कार्बन है उसके दोनों साइड मिथाइल है, तो सी डबल बॉन्डो वाला कार्बन है, एक साइड ये मिथाइल हमने दिखाया CH2CH3, तो एक CH3 इसका आप ऊपर दिखा दो, फिर ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला है तो इसका मैंने ये ध्यान से देखो CH3 दिखाया, तो एक CH3 इसका बचा हुआ है तो ये दिखा दिया उसी कारण से, फिर ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला है, राइट, तो एक CH3 आपने इधर दिखाया, एक CH3 इधर दिखा दो, मतलब करना क्या है, एक का सी डबल बॉन्ड ओ सामने करना है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का CH3 वाला दो हाइड्रोजन सामने करना है ताकि आप वाटर बाहर निकाल पाओ H2O से, क्योंकि यूनो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वाटर बाहर निकाल दो, तो अगेन आपका यही सिमिलर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दोनों ही केस में एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएंगे, ध्यान से देखना आपको, और कैसे करना आपको एक आइडिया मैं दे चुका हूँ। नाउ लास्ट, अगर कहीं पे भी आपको अल्डिहाइड या कीटोन दिख जाए, ध्यान दें, अल्डिहाइड या कीटोन दिख जाए और दूसरे जो रिएजेंट होंगे नाइट्रोजन पे, ध्यान दें, नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन एक साइड होना चाहिए और एक साइड कुछ भी हो, इसलिए मैंने जेड लिखा है, जेड कैन बी एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, हाइड्रोजन, OH, NH2, C6H5NH, NHCONH2, कुछ भी, ये सब में से कुछ भी हो सकता है, राइट, तो बात को समझे, फंडा को समझे, नाइट्रोजन के एक साइड दो हाइड्रोजन होना चाहिए और एक साइड जेड कैन बी एनीथिंग, ये होना जरूरी है, और आपका अल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, डेट मीन सी डबल बॉन्डो ग्रुप, तो इसलिए मैंने उसको वैसे लिखा है, तो अल्डिहाइड या कीटोन का सी डबल बॉन्डो सामने करना है
और ये जो नाइट्रोजन का दो हाइड्रोजन है जो होना ही चाहिए वो सामने करना है, राइट, कर दिया और वाटर को बाहर कर देना, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो वही चीज़ को मैंने देखा है, देखो कार्बन पे ये दो ग्रुप जो लगे हुए थे सी डबल बॉन्डो सामने किया था, और नाइट्रोजन पे जो दो हाइड्रोजन वो सामने किया था और वाटर को आपने बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड एन, तो ये बन गया। और जेड आपका जो इस पे नाइट्रोजन पे एक साइड लगा हुआ था क्योंकि नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाएंगे वो लगा रह गया। अब डिफरेंट केस में इसके डिफरेंट नेम होते हैं। अगर सपोज करो कि ये वाला जो जेड है, ये वाला जेड, ये अगर आपका हाइड्रोजन होता तो डैट मीन्स फाइनली रिएजेंट कौन हो जाता, अमोनिया एक तरह से, कैसे, एन दो हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन, एन एच थ्री अमोनिया हो गया, राइट। तो ऐसे केस में इस प्रोडक्ट का नाम क्या जाता है, आई मीन डैट मीन्स इस जेड की जगह सिर्फ आपको क्या कर देना है, एच, इसलिए मैंने पूरा स्कीम ही बना दिया। अगर इस जेड की जगह आपने ओ एच ले लिया तो इसको बोलते फिर ऑक्साइम, अगर एन एच टू लेते उस जेड की जगह तो हाइड्राजोन बोलते हैं, और अगर एन एच सी ओ एन एच टू ले लिया तो इसको सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। वेरी सिंपल, अगर एल्काइल ग्रुप होता, अगर जेड की जगह कोई एल्काइल ग्रुप अगर आपने ले लिया होता, ध्यान से देखो यहाँ पे कोई अल्डिहाइड या कीटोन और नाइट्रोजन का दो हाइड्रोजन सामने किया, ये वाटर बाहर निकाल दोगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, सी डबल बॉन्ड एन, और एन पे यहाँ पे हेच की जगह क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि जेड आपने क्या ले रखा है, आर, तो इसको बोलते हैं एस्किफ बेस। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना आपको। तो वेरी सिंपल है, ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्ड ओ अल्डिहाइड या कीटोन का सामने कर देना है, और एन पे दो हाइड्रोजन होना चाहिए, और एक हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन हो या फिर जो भी ग्रुप लगाना वो लगा लो, आपको क्या करना, वाटर बाहर निकाल करके सी डबल बॉन्ड एन बना देना है। तो आई होप ये नेम रिएक्शन वाला जो तीन वीडियो लेक्चर हमने क्रिएट किया है जिसमें पूरी नेम रिएक्शन को मैंने एनसीईआरटी की ख़त्म किया है, आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये सब पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आपसे क्वेश्चन इजीली हो भी जाएंगे। थैंक यू।